अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं जा रही थी मामा के साथ कुछ चीज़ें लेने के लिए, और जर्मनी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पिछले 2-3 दिन से, लाइक 28-29 पे टेम्परेचर जो है वो जा रहा है, और आज भी बहुत गर्मी थी। तो लेकिन ये है कि मौसम भी साथ में अच्छा ही होता है, तो हमने सोचा कि आज जाते हैं लेने के लिए कुछ सामान। तो यहाँ पर बस फिर मैं और मामा जो हैं वो जा रहे थे मार्केट, क्योंकि इस वीकेंड पे यानी कि कल मेरी मामा के जो मामू हैं उन्होंने आना है हमारे घर, तो हमने सोचा कि कुछ एक दो चीज़ें जो रहती हैं हमें गेट टुगेदर के लिए वो हम लोग ले आते हैं जाके। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, गर्मी तो थी लेकिन साथ में हवा भी थी और बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा साथ में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। बाबा की आज छुट्टी थी तो उनसे बनवाए चाइनीज़ राइस, और साथ में अपने लिए कुछ पे मैं ये चीज़ें मैंने ऑर्डर भी की थी, और वैसे मैं ये लेकर भी आई थी अभी जब मैं गई थी। तो कल वैसे भी जो गेस्ट आ रहे हैं मामा को, उनके लिए भी एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मामा ने फिर ये मेबेलिन की लिपस्टिक्स ली दो, और एक ये शेड था ब्राउन सा बड़ा प्यारा सा था, और ये एक पिंक शेड था। उसके बाद मैंने और सूफिया ने ये फाउंडेशन मंगवाई थी, इसके बारे में हमने बहुत सुना था, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे अरमानी के, तो हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं। तो मैं भी आपको इसका रिव्यू यही दूंगी, अच्छा है कि ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल भी लाइक स्किन की तरह फील होती है। तो फिर मैंने ये लैशेस ली थी और ये सीरम्स कुछ थे वो लिए थे, और साथ में ये मैंने एक पैलेट ली थी। इस पैलेट के जो कलर्स थे ना वो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, क्योंकि ऐसे फंकी टाइप और लाइक जो अगर आपने स्मोकी मेकअप करना है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छे थे, और अगर आप लोग मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर ये चीज़ आप लोगों के लिए है। आप लोग समझ सकती हैं वो लड़कियां कि हम कैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर फिर ये कुछ दो लिपस्टिक्स भी ली थी साथ में। लेने तो मैं घर का सामान गई थी, लेकिन फिर मैंने और मम्मा ने जो है ना वो ये सारी चीज़ें भी ले ली, और मम्मा को फिर ये बास्केट चाहिए थी, फिर तो मम्मा ने फिर ये वो ली। अगला दिन शुरू हो गया था और हम लोग बस अब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहले गेस्ट जो थे उन्होंने मेरी सिस्टर माहीन के घर पे जाना था, और फिर वहाँ से माहीन और सब फिर इधर इस तरफ हमारी तरफ ही आ गए थे। और सबसे पहले यहाँ पर चाट और सैलड और जो चटनी है वो बना के हमने रख दी थी, ताकि जो है ना वो ठंडी भी हो जाए तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मेहमान भी आ गए थे, उसके बाद हमने जल्दी जल्दी टेबल लगाया, और ये नान जो है ये मेरे बाबा ने घर पे बनाया है तंदूर में। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत हमें मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और यहाँ पर हम खेल रहे थे लूडो, और इसको खेलने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस टाइम इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला, और बीच में जो खाने वगैरह की हैं वो मैं इसलिए नहीं शेयर कर सकी क्योंकि खाना मामा और बाबा ने बनाया था, मैंने और सूफिया ने इस दफ़ा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट गेट टुगेदर में जो सारा काम था वो मैंने और सूफिया ने किया था। तो बस इस दफ़ा फिर मम्मा पापा ने बोला कि नहीं हम खुद ही करेंगे, तुम लोग बाकी देखो। तो यहाँ पर फिर हम अपनी बहन की शादी की मूवी देख रहे थे, जो कि देखने में सबको ही बहुत मज़ा आता है, तो जो मेमोरीज होती हैं वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस हम वो देख रहे थे, साथ में गपशप चल रही थी। हम लोग लूडो खेलते हुए कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इस चीज़ को मैं आगे के 2-3 क्लिप्स में डाल देती हूँ, आप लोग देखें और सुनें कि हम लोग को कितना ज़्यादा मज़ा आया था। और इसके साथ ही फिर मेरी व्लॉग ख़त्म हो जाएगी, और नेक्स्ट व्लॉग मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कल या परसों ज़रूर अपलोड कर दूँ। तो मेरी व्लॉग्स देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दो चेक तो चलने से खोलो, एक ठीक है, ये छह और ये चलो भाई, चलो ले तू छह छू ता ग्यारह पापा आ गया भाई, तीन जे इसको स्टॉप है उसको एक चला दो, चलो मान आ देखो इतना ते मार दो, दो छह उठ तक जाने नहीं मरदी, दो छह दो दो छह दो से तो जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो तीन चार, कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है, ये नहीं थी ना आई, रोते हुए इतना।
टेंशन नहीं है।